आज हम आपको डिटेक्टेड बटन होल स्टिच से फिलिंग करना सिखाएंगे। देखिए, हमको जिसकी भी फिलिंग करनी होती है फूल पत्ती, उसमें पहले हम आउटलाइन करेंगे। यह आउटलाइन हम बैक स्टिच से कर सकते हैं या रनिंग या बैक स्टिच से स्टेम स्टिच से कर सकते हैं। यहाँ हम बैक स्टिच से कर रहे हैं, तो बैक स्टिच सीख लीजिए आप। ये देखिए, हमने इधर से धागा निकाला है, इसके बाद हमने यहाँ डाला और यहाँ इस तरह से आगे से हम इसे निकालेंगे। ये देखिए, और पलट कर फिर आएंगे हम पीछे, इस खाली जगह को फिल करने के लिए वापस हम पीछे आते हैं और फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर निकाल लेते हैं। फिर इस जगह को फिल करने के लिए हम वापस पलट कर पीछे आएंगे, उसी छेद में डालेंगे और वापस हम आगे चले जाएंगे। वापस इस जगह को फिल करने के लिए हम पीछे आए और आगे निकाली हमने। तो ये बैक स्टिच है, इससे आपको आउटलाइन करनी है। इसके बाद हम देखिए वापस इस जगह को फिल करने के लिए आए पीछे, फिर ये हम आगे आ गए। ये फिर हम पीछे आए, तो ये बैक स्टिच है जिससे कि हमें आउटलाइन करनी है। तो देखिए, ये हमारी आउटलाइन लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखें कि अब आगे हमें क्या करना है। बस ये लास्ट में हम और ये कर देते हैं, नीचे डाल लिया हमने। देखिए अब क्या करना है हमें, अब ये देखिए, अब हमें इधर से निकालना है। चलिए इधर से निकाल देते हैं हम, और यहां से ये देखिए, ये धागा नीचे से जा रहा है इसके, यहां से हमें ये बिल्कुल ढीले हाथ से करना है। फिर देखिए, इसमें से लेते हुए हम बिल्कुल ढीले हाथ से ये ले रहे हैं, ये धागा इसके नीचे से आना चाहिए। ये देखिए, इसके बाद हम इधर नीचे कर देंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। इसके बाद यहां से आप इधर आ जाइए, इस तरफ वापस नीचे के नीचे से। अब वापस आपको ये देखिए ये करना है। अब इसके ये वाला जो बैग स्ट्रक्चर बना है, इसके इसमें से लेंगे हम बिल्कुल ढीले हाथ से। अब इसमें से बिल्कुल लूज लूज, और वापस इधर से हम नीचे उतार देंगे और वापस हम नीचे के नीचे से इधर आ गए इस तरफ। वापस देखिए हमने ये किया, देखिए इसमें धागा इसके नीचे से निकलना चाहिए। फिर यहां से फिर हमने नीचे डाल दिया और वापस हम
इस तरफ आ गए। यही हम वापस यहां करेंगे। अब हम बिल्कुल एंड की लाइन में आ गए हैं। देखिए एंड की लाइन में हमें ये इस तरह से, ये जो बाहर की आउटलाइन है इसमें से होते हुए, देखिए अगर आप इसको उभरा हुआ लुक देना चाहते हैं तो इस जगह आप इसमें कॉटन भर दीजिए, रुई वगैरह कुछ भी, और उसके बाद यहां से इसका मुंह सिल जाता है तो कॉटन अंदर के अंदर ही रह जाती है। तो अगर आपको ऐसे रखना है तो आप ऐसे रहने दें, और अगर आपको अंदर उभरा हुआ लुक चाहिए तो आप यहां पर कॉटन भर दें, और कॉटन भरने के बाद इस जगह से इसका मुंह सिल जाता है, जैसे हम रजाई वगैरह का मुंह सिल देते हैं। ये देखिए इस तरह से यहां इसका मुंह बंद हो जाता है तो रुई अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं आ पाती है, और एकदम उभरा हुआ उभरा सा लुक बन जाता है। यहां पे आके इसका मुंह हम सिल रहे हैं, ये देखिए बाहर के आउटलाइन में से लेते हुए। इस तरह से हमारी फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप फूल पत्ती किसी में भी बना सकते हैं और अपनी उसको आप फिलिंग कर सकते हैं।